पंडितों से डर के मारे कुछ ना करें प्लीज, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। तो बाकी हमारे साथ भी ऐसा ही यहाँ पर हुआ है, लेकिन ये यहाँ सारे मंदिरों में ऐसा ही चल रहा है। Oh my God, कितना रश है भाई। गॉड, वेलकम टू यू ऑल इन अ न्यू डे। और आज है हमारा सेकेंड डे इन वृंदावन। जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोग वृंदावन रात को ही आ गए थे और अभी हम बस नहा धो के तैयार हो गए हैं। मैंने कुछ इस तरह का पहना है और मैंने शरारा पहना है क्योंकि हम राधा रानी के आज हम जाएंगे बरसाना, और बरसाना नंदगांव और गोवर्धन पर्वत वो सारा करेंगे आज। फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा हम लोग निकलेंगे। हमने टैक्सी बात कर लिया है, अब सीधा निकलेंगे बरसाना। हम चल पड़े हैं बरसाना की तरफ। इनको तो जहाँ झूले देखे वहीं बैठ जाते हैं ये। वो देखो शिवन्या क्या करे, चलो नाश्ता करना हमने, चलो बेटा ब्रेकफास्ट करना है। फ्रेंड्स, हम यहाँ कर रहे हैं ब्रेकफास्ट क्योंकि फिर आगे टाइम पता नहीं मिलता है नहीं मिलता है हम लोगों को। बैठे हैं हमारी टीम इंडिया बैठी हुई है। क्या है मसाजर, लेट जाए। ये है शिवा ढाबा और ये बरसाने वाले रोड पे है। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। क्या खा रहे हो आप? कह रहे जो आलू जैसे वो आलू खाएंगे, आलू के खाएंगे, जो गोभी जैसे वो गोभी के खाएंगे। पास में है आलू का पराठा, और पराठा इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा पराठा है, पूरी थाली जितना पराठा है, मतलब एक ही पराठा खाया जाए। ये देखो आप देखते रहो बस। तो हम करते हैं पराठा महंगा भी है साथ साथ बहुत, पर चलो ठीक है। और साथ में मजा लिया जा रहा है कुल्हड़ चाय का। नंदगांव, और बस अब हम अंदर मत्था टेकने जा रहे हैं नंद बाबा के महल में, और बस चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं नंद बाबा का महल। दस वर्ष में, 20 वर्ष में, 50 वर्ष में, 60 वर्ष में आज नंदलाला ने बुलाया है, और आगे ना जाने कब आओगे ये भी पता नहीं, और आओगे भी नहीं आओगे ये भी नहीं पता। क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। नंद महल है यहाँ पर, यहाँ नंद बाबा जी का। जब गोकुल में राक्षसों का इतना ज्यादा कहर हो गया था, तो नंद बाबा हमारे कृष्ण गोपाल को नंदगांव ले आए थे, और यहाँ पर आराम से उन्होंने उनका लालन पालन किया। फ्रेंड्स, बहुत ही मतलब भावुक एक मंदिर के जब दर्शन होते तो बंदा ऑटोमेटिकली भावुक हो जाता है। बट मुझे यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा जो अटपटा लगा वो था, फ्रेंड्स एक्चुअली हर जगह पंडितों ने मतलब इतने नाम पे इतना दे दो, इतने इसके नाम पे, और वो इतना ज़्यादा आपको मतलब वो करते हैं कि आप हरास हो जाओगे। तो अंदर से बहुत ही मतलब थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। फ्रेंड्स, पहले मुझे लगा ये गोकुल में ही है, लेकिन ये यहाँ सारे मंदिरों में ऐसा ही चल रहा है। तो जो भी मेरे भाई बंधु ये वीडियो देखेंगे, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि किस जो आपकी श्रद्धा है वो आप प्रभु जी को के जो भी गले में चढ़ाओ, जो भी आप देना चाहते हो, आप अपनी श्रद्धा से आपकी जो श्रद्धा है वो दीजिए। किसी भी पंडित के चक्कर में आके आप कुछ ना दें,
बहुत लोग ऐसे हैं जो बेचारे कैसे करके यहाँ तक पहुँचे होते हैं, कितना उनका आने जाने का लगता है, सब चीज़ों का लगता है। तो मतलब एक भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान तो भाव देखते हैं फ्रेंड्स कि हम किस भाव से यहाँ आए हैं। तो मेरा सभी भाई बंधुओं से रिक्वेस्ट है, जो भी वृंदावन यात्रा, वृंदावन धाम की यात्रा करना चाहता है, वो अपनी श्रद्धा जितनी होगी फ्रेंड्स अपनी श्रद्धा से करें, मतलब पंडितों से डर के मारे कुछ ना करें प्लीज़, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। तो बाकी हमारे साथ भी ऐसा ही यहाँ पर हुआ है, तो पंडित बहुत ज़्यादा मतलब हरास कर देते हैं और उसकी वजह से लोग डर के मारे बेचारे जो भी कुछ जेब में होता है वो उनके आगे रख देते हैं। साड़ी भी मेरी खुल गई है, तो मैं उसको ठीक कर रहा हूँ, ये मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपका मजाक नहीं उड़ा सकते हम, आप तो हम तो हमारी जननी है, खाना नहीं खाना हमने कर रहा है। कितना सुंदर है नंदगांव, बहुत सुंदर, अब तो खैर शहर बन गया है फ्रेंड्स, पहले ये कितना सुंदर होगा, कितना खूबसूरत ये व्यू होगा, आप लोग देख सकते हैं ये है चारों तरफ नंदगांव है और बीच में ये नंद महल है, तो बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स। यहाँ पर नंदगांव में लस्सी का स्वाद ना लिया तो क्या किया है ना, आना है और दूध दही खाना है, ये नंद बाबा का प्रसाद है। नंदगांव की लस्सी, वाह 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 क्या बात है फ्रेंड्स, ये है लस्सी और साथ में मक्खन और बहुत टेस्टी लस्सी है सच में यहाँ की ना फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ हम जा रहे हैं कीर्ति मंदिर फ्रेंड्स, ये है यहाँ पर रंगीली महल और आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। वाव बहुत ही खूबसूरत, कीर्ति मंदिर से फ्री हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं बरसाना, तो मिलते हैं आपसे बरसाना में। धूप बहुत हो रखी है तो मेरे को ये पहनने पड़े सनग्लासेस फ्रेंड्स, यहाँ साथ में ऐसी गर्मी में पकड़ लो नोनू, गर्मी हो रही है, साथ में कुछ खाते भी रहना है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो रूप में। हम लोग पहुंच गए हैं बरसाना और आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूं बरसाना, और यहां पर बरसाना के लिए थोड़ी सी सीढ़ियां हैं जो कि चढ़ के हमें ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ी ऊंचाई पे है माता रानी का मंदिर और देखिए आप यहाँ पर बरसाना रंगारंग हो रखा है, ये देखिए रंगारंग हो रखा है होली के प्रोग्राम के लिए, कितना सुंदर लग रहा है भाई गॉड, ये देखिए फ्रेंड्स होली की तैयारी यहाँ हो चुकी है। ये है बरसाना की राधा रानी की गलियाँ, सारे घर में कलर लग चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ होली बहुत ज़्यादा, बरसाना की होली सबसे ज़्यादा होती है। Yeah!
फ्रेंड्स यहाँ होली मनाई जा रही है और बहुत ही ये देखिए हैप्पी होली दो कलर हैप्पी होली लो सबको लगा दो थोड़ा तरह लगा दो इतना मत लगाओ यार हैप्पी होली ओह माय गॉड कितना रश है माय गॉड थैंक गॉड हम लोग मत्था टेक के आ चुके हैं फ्रेंड्स एक्चुअली हमें पता चल गया था कि आज यहाँ पर दिन के टाइम में प्रोग्राम होने वाला है होली का तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी आके हम लोगों ने मत्था टेक लिया और जब तक हम बाहर आए हैं ना माय गॉड आप देख सकते हो इतना रश लोग इतने एक्साइटेड हो रखे हैं फ्रेंड्स मैं काफ़ी ऊपर से जूम करके दिखा रही हूँ आप लोगों को ये और अब तो हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ से निकला जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है हमारे साथ बच्चे भी हैं तो पहले फ्रेंड्स हम लोग निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में तब तक आप एंजॉय कीजिए हम लोग फ्री हो गए हैं बरसाना से हमने खेली है होली ये देखो सारे रंग बिरंगे हो गए हैं यहाँ पर और फ्रेंड्स मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरा इन दिनों में यहाँ वृंदावन की होली खेलने का मुझे सौभाग्य मिला और अब हम लोग जा रहे हैं जाओ,